तो राम राम भाई सारे याने, तो गेम में ढूंढने का है महाराज। पहला दिन तो सबसे पहले तो हो रहा था मैं बोर बड़ा, तो बोर होते होते मेरे दिमाग में आया कि मैं किताब खोलता हूँ, अपनी किताब में लगा मैं अपनी पेंटिंग करने। पेंटिंग करते करते मेरे को एक आइडिया आया, क्योंकि दिमाग की बत्ती तेज हो जाती है ना पेंटिंग करते करते, तो आइडिया आया कि क्यों ना पोकेमोन की गेम देखी जाए। लास्ट टाइम मैंने खेली भी 4-5 साल पहले है, तो अब देखते है जरा 4-5 साल में कुछ तो तगड़ी गेम आई होगी प्ले स्टोर में। तो मैं भी चला गया प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में मिली मेरे को एक गेम पॉकेट अरेना, तो देखते है जरा इसको खेल अब कैसी गेम है। तो भाई लोगों जरा यार इसको माफ करो, इसको पता नहीं जेल का भूत चढ़ा हुआ है, 75 ऐड करना बोला इसने भी। जो जो इसको छोड़ते हैं, हम अपनी गेम देखते हैं। गेम हमारी हो चुकी है डाउनलोड, और गेम खोलते ही देखो इंटरफेस बड़ा प्यारा सा है। इसमें मेगा मोन लिख के आ रहा है, ये पता नहीं क्या खप है भाई। प्ले स्टोर में देखो यहाँ पे पॉकेट अरेना आ रहा है, और यहाँ पे मेगा मोन, क्या कट हो गई गेम, फिर से करते स्टार्ट। ये भी यहाँ पे देखो मेगा मोन आ रहा है, वहाँ पे पोकेमोन आ रहा था, ये बात सही कुछ जमी नहीं मेरे को, जाली गेम तो नहीं है कहीं। तो ऐसी गेम में जाली होती है, तो जल्दी जल्दी हो जाओ लोड यार। तो यहाँ पे मेरे को आ गया है लैंग्वेज सिलेक्ट करने को, और लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गेम रिस्टार्ट मांग रही है, और मैंने गेम रिस्टार्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखो मेरे को आ रहा है यूजर नेम और पासवर्ड डालने को, तो मैं ये डाल देता हूँ। मैं सीधा जीमेल से लॉगिन कर रहा हूँ, तो आप भी जीमेल से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, वो बेटर ऑप्शन रहता, नहीं तो इतनी बड़ी झंझट कौन करता रहे। तो यहाँ पे सर्वर ग्रीन वाला चूज करो, क्योंकि रेड वाला खतरा होता है हमेशा। तो ग्रीन वाला सर्वर हमारे पास जो भी आया था मैंने सिलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट बटन दबा देते हैं, और वो देखो भाई पोकेमोन गोल गोल घूम रहा है लोडिंग के उसकी जगह पे, नाइस अच्छी एनिमेशन है। तो यहाँ पे देखो वो, तो ये क्या है, पोकेमोन द मोस्ट मिस्टीरियस क्रिएचर्स इन दिस प्लेनेट। ओ मेगा चार्लिज़ार्ड ब्रो, मेगा चार्लिज़ार्ड, अच्छा पोकेमोन्स दिखाया। ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे एपिसोड चलने वाला है कोई, मतलब की लगता नहीं है जैसे स्टार्टिंग में मूवी वावी का एनिमेशन लग रहा है कुछ, तो देखना पड़ेगा किसी मूवी का ही तो नहीं चोरी किया है इन्होंने, लग रहा है मेरे को। मैजिकार्प यहाँ पे भाई, वेल पोकेमोन, ओ भाई 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 भाई, भाई लूगिया, ओ जैक्रोम भाई, यो रशिरैम भी है यहाँ पे हमारे पास। रशिर ह्यूमंस एंड पोकेमोन फॉर्म्ड वेरियस of bonds. Ogiratina living in the harmonious world in with Pokemon. You have the power to make your dream come true with Pokemon. You have fantastic adventures waiting for you. Oh, Dialga pal kiya bhi hai. Dialga. Kanos League is now entered the most exciting battle. Who would win the Ash vs. तो देखो मैं बोल रहा था कोई एपिसोड जैसा ही लग रहा है, और देखो ऐश और एलान की फाइट दिखा रहे हैं, वहाँ कर क्या रहे हैं, चलो लोडिंग हो रहा है, देख लेते क्या कर रहे हैं। देखा मैंने आपको बोला था यार मेरे को कुछ जाली सी गेम लग रही है, तो ऐश और एलान की बैटल दिखाने लग गए। नहीं 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 नहीं, अच्छा यहाँ पे कुछ आया है लिख के, लिख कर, ओहो मेरे पास तो तकड़े, अच्छा अच्छा ये तो लीग वाले पोकेमॉन्स आ गए मेरे पास है, इन दोनों की जो लीग बैटल हुई थी। पर नहीं यार एंटाई और ये राइकू कहाँ से आ गया, बाकी सेप्टाइल तो चलो माना मैंने। अच्छा पीछे के तीन पोकेमोन है जो लीग में थे उसके पास, गुडरा ग्रेनिंजा और सेप्टाइल, और ये आगे के तीन राइकू ब्लास्टोइज और एंटी, ये पता नहीं कहाँ से आ गए, और ये पता नहीं अपने आप ही लड़ रहे हैं यार, ये क्या गेम है भाई। भाई एक जीबी तुमने मेरा ऐसे ही तो नहीं उड़ा दिया भाई, एक भी नहीं बोलने की, एक जीबी होता है 1.5 GB, तो तुम ऐसे ही खा गए अभी तक। ओ चार्ली, ओ भाई चार्लिज़ार्ड से सोनिक टॉस, ओ भाई क्या नाइस यार एनिमेशन तो अच्छी है भाई, नो डाउट भाई एनिमेशन के लिए तो मैं तुम्हारे को भाई फुल पावर सपोर्ट कर रहा हूँ, लेवल 5 स्टार देता हूँ। पर मैं मतलब कि यार तुम मेरे को तो खेलने दो यार, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ भाई। अच्छा मेरे को आया क्लिक करने को एंटी का मूव, ओ भाई ये क्या, अच्छा ये जैसे टेकन 7 में आपने रेज आर्ट देखा होगा, मेरे को लग रहा है ये वैसा ही कुछ रेज आर्ट है। हाँ मतलब कि मेन मूव है ये, अच्छा एनिमेशन तो खतरनाक है यार भाई, नाइस बहुत अच्छा लगा भाई, एनिमेशंस की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। अभी ये फिर से आया है मैं, अरे भाई वो भाई क्यों भाई, मैं क्यों उस पर अटैक करूँ, उस वो रेजिस्टेंट है, उसमें लिख के आ रहा भाई वो इस मूव से रेजिस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक टाइप ग्रास टाइप के ऊपर मतलब की वीक ही है, और फिर भी उसको ही मारने को बोल रहा है यार, हद है भाई, क्या मतलब कि यार खेलने दो मेरे को भाई पोकेमोन, मैं भाई मास्टर हूँ पोकेमोन मास्टर, तुम मेरे साथ लड़के दिखाओ, सिंगल सिंगल बैटल आओ मेरे को लड़ने दो, तब बताऊँगा तुम्हारे को। भाई सुईकून, सुईकून क्या करता भाई, वो भाई ये तो पानी में बहन चल लहरों में तैरता हुआ जा रहा यार, नाइस बहुत सेक्सी एनिमेशन है यार, बहुत ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स है इस गेम के, मतलब कि 1 GB की गेम के हिसाब से इसके 2 GB की गेम वाले ग्राफिक्स है, और मतलब कि चलो ये तो क्या ही है, एक वीडियो ही है बस, पर फिर भी क्रिएटर्स ने कुछ मेहनत तो लगाई है, एफर्ट्स तो लगाने पड़े हैं ना यार। वो भाई सोलार भी मार दिया वीनासोर ने मेरे को, वो देखो मेरे पोकेमोन को भाई इफेक्टिव मूव्स मार रहा, और मैं जब वो उधर मारने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो रेजिस्टेंट में ही आ रहा है मेरे को मारने को, हद है यार। यहाँ पे ब्लास्टोइस, मेरा ब्लास्टोइस क्या पहनता है, कैनन, ये कैनन फैंक, कैनन मारेगा उसकी तरफ से, क्या ड्रैगनाइट आ चुका है, ड्रैगनाइट भाई खतरनाक खतरनाक खतरनाक,
क्या ऐरा एनिमेशन का दीवाना हो गया मैं इनकी जो ये स्पेशल मूव के एनिमेशन है ना, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मैं अभी तक टिका हूँ तुम्हारे पास भाई, नहीं तो अभी कट करके डिलीट कर देता मैं गेम, तुम मेरे को खेलने ही नहीं दे रहे हो। पर एनिमेशन यार मज़ा आ गया भाई, सेप्टाइल तो कूल पोकेमॉन लगता है मेरे को बहुत यार, बहुत कूल पोकेमॉन है ऐश का। और मतलब कि एक बोले ना तो जिस जो खरा उतरा ये इसने काफ़ी बैटल जिताए भी ऐश को। और यहाँ देखो भाई इसने क्या हाइपर भी मारी शायद से है ना, पता नहीं देखा नहीं मैंने पढ़ा नहीं। तो भाई क्या चार्लीजार्ड आ गया इसे, तो चार्लीजार्ड भाई पेल गया हमें, पेल गया। ग्रे निंजा बचा है मेरे पास अकेला, तो इसको मारता हूँ मैं ज़रा, क्या करता है ग्रे निंजा भी। वो भाई बॉन्ड इवोल्यूशन तो दिखाए गए लग रहा है मेरे को, कुछ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा इसने वाटर शुरीकन फेंका है वो बड़ा वाला, तो अच्छा ही क्या हुआ बैटल में, दो पोकेमोन तो अभी भी जिंदा है, इसके क्या बोलना चाह रहे हैं, अच्छा अब क्या हो गए। वो भाई चार्लीजार्ड वर्सेस ग्रे निंजा, क्या खतरनाक एनिमेशन दिखा रहे हैं यार भाई, सुपर सुपर ब्रो सुपर, मज़ा आ गया भाई देख के, मज़ा आ गया भाई देख के। ये ग्रे निंजा और मेगा चार्लीजार्ड आपस में टकराते हुए, और क्या ये क्या मार्को तो ओके लैब में डाल दिया यार, तुम्हारा दे पहले मेरे को लड़ने नहीं दिया, जब बैटल इंटरेस्टिंग हो रही थी अब मेरे को भाई खेलने नहीं दिया, हद है यार हद। चल छोड़ो तुम्हारी एनिमेशन अच्छी थी उनकी इसलिए खेल रहा हूँ। तो चल अच्छा प्रोफेसर है मेरे से नाम पूछ रहा है मेरा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल सनातनी अपना नाम, और उसके बाद करते हैं अपना बॉय कैरेक्टर चूज करेंगे है ना। हाँ कि मिस्टी तो नहीं लेनी, ऐश और मिस्टी दिखा रहे मेरे को क्यों लग रहा है, ये पेंटो रीजन तो नहीं देंगे मेरे को शुरू वाला सबसे पहला रीजन, ठीक है। अच्छा स्पेस नहीं डाल सकते, कोई नहीं यार, अरे बीच में भी क्लिक नहीं कर सकते, पूरा फिर से लिखना पड़ेगा डिजिटल सनातनी। ओके ओके कर दे, हाँ हो गया हो गया। तो भाई क्या बोल रहा है ये, ठीक है मैं बढ़िया पोकेमॉन ट्रेनर बनूंगा, हाँ किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा मैं, हाँ हाँ हाँ। अच्छा देखा मैंने बोला था आपको भाई की प्रिडिक्शन ना यार, भाई शारिंगन है अपने पास, शारिंगन प्रिडिक्ट कर देता हूँ मैं पहले ही फ्यूचर को। यहाँ देखो मैंने बोला था ना आपको कैंटो रीजन के स्टार्टर्स दिखा दिए, देखो स्क्वर्टल बल्बासोर और चार्मेंडर। मैं सोचूं तो मैं लेता हूँ स्क्वर्टल को, पता है क्यों, स्क्वर्टल लेना वैसे बेनिफिशियल है, स्क्वर्टल लूँगा ना मैं क्योंकि पहला वो ब्रॉक का जिम आता है ना कैंटो रीजन में, वहाँ पे सारे स्टोन रॉक टाइप पोकेमोन और वाटर टाइप उन पे इफेक्टिव है। तो चलो स्क्वर्टल को ही फाइनल करते हैं, फुल एंड फाइनल क्या बनेगा वॉटर टर्टल और ब्लास्टोइस, पता है यार हमारे को बचपन से देख रहे पोकेमोन, हमको ना सिखा इतना। प्रोफेसर ओक जब तू छोटा बच्चा था ना तब से देख रहा हूँ तेरे को, खुद भी छोटा था उसको तब से देख रहा हूँ, तू मत सिखा मेरे को अब क्या करना है। वो पिकाचू मिल गया यार, तो तुमने मेरे से वो क्यों चूज करवाया जब पिकाचू देना था यार, इससे अच्छा यार कोई भी पोकेमोन चूज करने को दे देते जब तुमने फ्री का ही पिकाचू दे देना था। चलो पहली बैटल करने को बोल रहा है, देखो भाई भाई के शारिंगन यार ब्रो, क्या शारिंगन पाए अब, जय भोलेनाथ। मैं बोला था ना आपको पहला रॉक टाइप जिम आता, और देखो पहला ही भाई गोलम वगैरह वो ग्रैबलर वगैरह दिखा दिए तो है, अरे यार पहले दिखाया यार, अरे वहाँ चिड़िया के दिया गई यहाँ पे, ए चिड़िया हट रे चल अभी रुको, वॉडल वॉडल गन अटैक, ये मजा आ गया यार, काश हम कर सकते, ये आ गया आ गया। अच्छा दो वेव्स आनी थी, ये आगे आगे देखो दो गोलम आगे है पीछे ग्रेवलर है, जीओडीड सॉरी दो जीओडीड आगे और पीछे ग्रेवलर है अभी क्या। अरे तुम खेल लो भाई, क्यों मेरे को दे रहे फिर खेलने को, जब तुमने मेरे को अटैक मेरी मर्जी से करने ही नहीं देना है। ओए इसको क्या हो गया, अच्छा स्पेशल मूव, ये क्या कर दिया भाई ये क्या, ओए पिकाचू को भी डैमेज पड़ा भाई साहब, खतरनाक यार खतरनाक। तू पोकेमोन वैसे तो खतरनाक है भाई, कैंटो रीजन का ये पोकेमोन ना शुरू शुरू में भाई वो एक गैंग थी देखो उनके वहाँ होते थे ये पोकेमोन पर डिस दिए थे वो गैंग को। चल पिकाचू भाई, ये भाई पिकाचू पिकाचू भाई, ऐश का पिकाचू जो है ना वो अगर एक बात बताऊँ ना आपको मैं, तो वो लेवल 99 का था पहले से। मैं पता क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि वो रेड का पोकेमोन था जो कि प्रोफेसर ओक को रेड ने दिया था, और वो पोकेबॉल के बाद वापस क्यों नहीं गया, देखो जब वो पोकेबॉल से देख निकला तो उसने देखा कि ये तो कोई और ही पोकेमॉन ट्रेनर है, मेरा तो रेड पोकेमॉन ट्रेनर है ही नहीं। और वो उसकी फिर ऐश जब उसको पोकेबॉल में डालने की कोशिश कर रहा था ना, इसलिए वो पोकेबॉल में जाने की वो नहीं कर रहा था, क्योंकि वो किसी और का पोकेमॉन है और वो रेड का पोकेमॉन और लेवल 99 का पिकाचू था भाई, वो बड़े बड़े अपने इवॉल्व वर्जन राइचू से भी ज़्यादा स्ट्रांग था अपने फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट अपेयरेंस में। तो
तो चलो देखो यहाँ पे बैटल्स कराए जा रहे हैं भाई, लड़ने दे नहीं रहे मेरे को। टीम रॉकेट हमारी लंबी है हाई, सरेंडर करो या करो हमसे फाइट फाइट फाइट, मेरे को भी करने तो फाइट फाइट फाइट। तुम ऑटो मैचिंग क्यों कर रहे हो, ऑटो बैटल क्यों लगा रहे हो? तो यहाँ पे ले जी भाई थंडरबोल्ट अटैक, खातू चिड़िया निकल, तुम्हारे लिए तो भाई फ्लाइंग टाइप के लिए तो थंडर अटैक ही मिल रही है। इसके बाद स्क्वाटल जा तू, इसको वाटर गन ही मार तू, हाँ इसको इफेक्टिव है ये, अब दिया ना इन्होंने यार बैटल करने मेरे को, अब आएगा ना मजा देखो यार। अब कर रहा पहले ऐसे ही बार कुछ चल जी ड्यूट, तो एक ही पोकेमॉन बचा, इसको ही ठोक, क्या ठोकेगा? ओ पंचीज ठोक तू पंचीज, यस ओहो इसको क्या बोलते हैं यार, ये मैग्मा पोकेमोन जो था, ये देखो वॉल्केनो वाले उस बैटल में बड़ा खतरनाक पोकेमोन लगता है ये मेरे को, पर उसका ये छोटा वर्जन है। चल भाई पिकाचू तू थंडरबोल्ट और इलेक्ट्रो वॉल मार इस बार तू, चल परे। एक एक मूव में तो इनके पत्ते साफ हो रहे हैं, अच्छा लेवल, अरे मेरे भी तो लेवल वन के पोकेमोन है, एक मार रहा हूँ मैं वो, देख भाई गुम टैकल अटैक मारा इस बार तो, वाटर गन भी नहीं मारी वो स्क्वर्टल की, अरे परे शील्ड लग गई। जियो ड्यूड जा वारा, ये नहीं मरा पर यार, ये भी एक लेवल का था पर मरा नहीं, ये पीछे वाला, इसको तो स्पेशल अटैक मारा मैंने। चल पिकाचू वाला स्पेशल अटैक खा फिर तू, बोल टैकल पिकाचू, बोल टैकल बी 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 बी, अच्छा वो तो शिन चैन करता है बी 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 बी, बोल टैकल और थंडर बोल्ट भी मारी बाद में। अरे ये कोई और ही लग रहा है मेरे को, पढ़ना पड़ेगा इसका नाम, मैंने तो दरअसल मेरा ध्यान वीडियो बनाने पर है ना, मेरा ध्यान इस पर नहीं जा रहा है लिखे हुए पे, इतना पढ़ने में। तो चलो यहाँ से मेन मेन्यू में चले जाते हैं, और यहाँ अरे तुम भाई मेरे को खेलने दोगे कि नहीं खेलने दोगे? अपनी मर्जी से क्लिक करवाए जा रहे हो, करवाए जा रहे, करवाए जा रहे, करवाए जा रहे हो। चल भाई खा स्क्वाटल खा, क्या क्या खाना तुम्हें, सब कुछ खा ले, ले जो भी है दे दो इसको ही दे दो। हाँ चलो एक अब एक और बैटल करने को, अभी चलो इस बार चलो अब बैटल तो करने दे रहे हैं, मतलब ये मेरे को अपनी मर्जी से मतलब खेलने तो दे रहे मेरे को। पहले तो भाई ऑटोमेटिक भाई तू इसको कर, और उधर पता क्या लिख के आ रहा था दूसरे पोकेमोन में, आ रहा था इफेक्टिव अटैक लिख के, और दूसरे में आ रहा था रेजिस्टेंस, और ये बोले रेजिस्टेंस वाले को मार भाई, बिना सौर को मार, बिना सौर को भाई, हद है भाई, क्यों मारू मैं उसको जब मैंने हद है। फिर मैं सिर्फ और सिर्फ अभी तक इनकी थोड़ी जो एनिमेशन दिखा रहे ना बीच में, उसकी वजह से अटक गया हूँ थोड़ा यार ग्राफिक का। खुद भी हम डिज़ाइनर बंदे हैं ना यार, आर्टिस्ट बंदे हैं, तो खुद भी इन चीज़ों की कदर करते हैं, इसीलिए टिका हूँ तुम्हारी गेम में भाई, नहीं तो ये बैटल स्टाइल भी मेरे को पसंद नहीं आया। इससे अच्छा तो वो GBA में नहीं आती थी अपना पोकेमोन येलो पोकेमोन रेड, उनमें ही भाई बहुत अच्छा बैटल स्टाइल होता था भाई, मज़ा आ जाता था, चार मूव्स देते थे पूरा अटैक करने को। अरे वो गेम ज़्यादा अच्छी है भाई, इससे मैं बोल रहा हूँ आपको भाई, ये उस वो गेम ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको ग्राफिक्स देखने हैं तब है फायदा इस गेम को खेल के, नहीं तो भाई मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूँ तो भाई आप जाके भाई GBA वाली गेम खेल लो ना, उसके ग्राफिक्स अच्छे नहीं है पर भाई वो ज़्यादा अच्छी है। पोकेमोन झाड़ियों झुड़ियों में छुपे होते, ढूंढना पड़ते हैं भाई, पूरा पोकेबॉल फेंकनी पड़ती है, अटैक क्या गेम थी वो यार, ये क्या चला है भाई ऐसे ही माँ, एक अटैक मार रहा हूँ मैं और उसकी मच्छियाँ मुच्छियाँ तड़पने लग जा रही है यार भाई, हद है। तो चलो यार इसको जल्दी जल्दी करते आगे यार, ये नहीं इतना बड़ा नहीं। तो चलिए अब इसका ट्यूटोरियल आखिरकार खत्म हो ही चुका है भाई, इतने मशक्कत कोशिशों के बाद मेरा दिमाग खा गया भाई। देखो भाई अब मैं आपको जेन्युइन रिव्यू बताता हूँ इस गेम का, मैंने 5-10 मिनट 15-20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट आधा घंटा एक घंटा जितना भी ये गेम खेली ना, उसमें सबसे पहला रिव्यू मेरा ये है कि इसका बैटल स्टाइल उतना अच्छा नहीं है। और भाई आप ग्राफिक्स एनिमेशन देखना चाहते हो तो वो तो काफ़ी हद तक ठीक ही लगी मेरे को। बाकी यार इससे जो मैंने 4-5 साल पहले मैं आपको बता रहा था ना गेम खेली थी मैंने पोकेमोन की, तो सेम इसी टाइप की गेम थी भाई, सेम आपने भी शायद खेली होगी इस टाइप की गेम पहले भी, बिल्कुल डिट्टो भाई उसका मेन्यू ऐसा ही था, पर उसमें भाई कैरेक्टर को चलाना पड़ता था, पोकेमोन पकड़ने पड़ते थे, उसकी बैटल स्टाइल ना इससे कई गुना अच्छा था। उसका नाम भी पॉकेट मॉन्स्टर था शायद इसका, ये पॉकेट एरिना ना, हाँ अब आ गया मेरे को नाम भाई उस गेम का, पॉकेट मॉन्स्टर्स हाउस गेम का नाम। और इसमें देख लो मैंने को पहले ही लग गया था एक गेम फेक जैसी, जब इसने मेगामॉन भाई ऐप का नाम मेगामॉन बता रहा है मेरे फ़ोन पे और प्ले स्टोर पे पॉकेट एरिना बता रहा, भाई हद है क्या, दो नाम कैसे। चलो छोड़ो मैं आपको जेन्युइन रिव्यू बता रहा था कि ये गेम ऐसी है, उतनी खास भी नहीं है यार, खेलनी होगी तो खेल लेना, नहीं खेलनी होगी तो नहीं खेलना। 1 GB भाई देख लो यार भाई अपने हिसाब से, मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा मैं इसको। तो चलिए आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही है, मैं घर जाके थोड़ी देर और खेलूंगा इस गेम को 5-10 मिनट, मैं देखूंगा थोड़ा है अच्छी की नहीं। बाकी यार वो तो सीधा बैटल बुटल करने वाला सीन है ना, वो मज़ा नहीं आया क्योंकि
पोकेमोन ओपन वर्ल्ड गेम है कि आप पोकेमोन एक पोकेमोन लेके चला होता है साथ में बंदा, पूरा मजा आता है वो चीज़ देखने का ना, वो चीज़ से हटके ये बैटल ऐसे बैटल बैटल करने को भूल रहे बस बार बार, और एक एक वो में सारे पोकेमोन मर जा रहे यार, थोड़ा इंटरेस्टिंग जैसी गेम नहीं है भाई, बोर हो गया भाई नहीं खेल के। तो आपकी मर्जी, आपने गेम करनी है तो कर लो, डाउनलोड नहीं करनी है तो देखो लो, आपकी इच्छा है। तो चलिए आज की वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम शंकर महादेव मेरे दोस्तों।